नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा धवन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी शिवसेना यूबीटी की ओर से शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से उद्धव ठाकरे ने बातचीत की। मुलाकात की सुनीता केजरीवाल के साथ भी उनकी बातचीत हुई। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी शामिल थे। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही थी। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई तो कई अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों और कयासों पर अंकुश लगाया राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, और उन्होंने बताया कि इस मुलाकात की असल वजह क्या थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत जी, अभी भाभी सुनीता केजरीवाल जी से और अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता और उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे, उनकी बेटी से। निश्चित रूप से जो कुछ हालात इस समय चल रहे हैं और जो तानाशाही है, और केजरीवाल साहब के मामले में तो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कि बगैर ऑर्डर की कॉपी के उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई और सीबीआई का नया मामला बना के उनको जबरदस्ती जेल में रखा गया। तो इन सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई और निश्चित रूप से विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई सरकार का एक ऐसा हथियार है जिससे वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम सब मिलकर इस सरकार से लड़ेंगे, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए ये जो मुश्किलें आ रही हैं, इसमें एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं, ये विश्वास उद्धव जी ने भाभी सुनीता केजरीवाल जी को और उनके परिवार को दिलाया। तो संजय सिंह का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल के परिवार का इस मुश्किल वक्त में समर्थन किया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने उनकी पार्टी का समर्थन भी अरविंद केजरीवाल के परिवार के साथ जाहिर किया है, और जिस तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये लड़ाई जो है लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि राघव चड्ढा और आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात को लेकर पोस्ट साझा की है। क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा और आदित्य ठाकरे ने, वो भी आपको बताते हैं। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज शिवसेना यूबीटी के प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी और मेरे प्रिय मित्र आदित्य ठाकरे जी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी पार्टी का समर्थन भी जाहिर किया। इधर आदित्य ठाकरे ने लिखा, दिस मॉर्निंग श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी कॉल्ड ऑन श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, वी आर ऑल यूनाइटेड इन फाइटिंग अगेंस्ट फोर्सेस दैट वांट टू डिस्ट्रॉय टू फैब्रिक ऑफ भारत दैट इज इंडिया। द सेंट्रल एजेंसीज आर टारगेटिंग अरविंद केजरीवाल जी बिकॉज द बीजेपी फियर्स हिम। आवर फाइट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी कंटिन्यूज। राघव चड्ढा और आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी हमने आपको बताया। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है एजेंसीज का इस्तेमाल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संविधान को बचाने की लड़ाई और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।